इसमें हमें पूरी डिटेल मिल जाती है, गाड़ी कौन सी है, कब इंजन ऑयल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कितने किलोमीटर चल रखी है। यहाँ पर हमें माइलेज का भी शो होता है, एवरेज कितना दे रही है, माइलेज कितना दे रही है और कितना फ्यूल लिया है इसने। अच्छा, इससे ये सब आपको फोन पे दिखा देता है इसका? बिल्कुल, मैं इसमें लोकेशन का भी दिखता है हमारी गाड़ी आखिरी में पार्क कहाँ पर है। और इस बाइक में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है इसके एग्जॉस्ट। तो एक्रोपोविक का आपने फुल सिस्टम डलवाया इसमें ना? बिल्कुल। दो सेंसर रहते हैं, अगर ये आप ना लगाओ तो धक्का दे सकता है। तो कैलाश भाई, एग्जॉस्ट लगा लिया है, पुलिस का कुछ सीन हुआ अभी तक का? खैर, पुलिस का सीन तो एक बार हुआ था। चलान के एग्जॉस्ट ही सीज हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे पास में यामाहा की R15 वर्जन M। देख सकते हो गाइज, ये जो बाइक है ये है मॉडिफाइड, इसमें लगाया है एक्रोपोविक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं इसके पूरे कंप्लीट मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इस बाइक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। बाकी बाइक बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। गाइज, आज है हमारे पास में यामाहा की R15 M। आप देख सकते हो ये है आपका टॉप वेरियंट है यामाहा का। एंड सिटिंग पोजिशन तो भाई इसका स्पोर्ट्स बाइक है, और स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से मतलब जो R15 VC आती थी ना आपकी, उसके हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आपको इस बाइक में ना बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सारे फीचर्स हम आपको बताएंगे। एंड अगर हम बात करें भाई इसमें फ्रंट में, तो आपको इस बाइक में मिल जाता है TFT डिस्प्ले, क्योंकि ये जो वेरियंट है आपका 2023 के लास्ट का है और 24 का ही मान के चलो, ठीक है। अभी जो R15 M आ रहा है वो सेम वेरियंट पर आ रहा है, एंड ये टॉप वेरियंट है, तो इसमें मिल जाता है आपको TFT डिस्प्ले, जो कि एक टॉप वेरिएंट की बाइक है। मतलब देखिए, आप ये नाम देख सकते हैं भाई का, ओनर का नाम भी आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा फ्यूल का दिखा रहा है, एंड इसमें ना बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस बाइक में आता है VVA टेक्नोलॉजी यामाहा की, जो है वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। तो ये टेक्नोलॉजी आती है भाई इसमें, और काफ़ी ख़तरनाक है। मतलब इंजन जो इसका, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जैपनीज इंजन होते हैं ना मोस्टली, जैसे होंडा के हो गए और आपके यामाहा के हो गए एंड कावासाकी, ये इंजन बेस्ट होते हैं। मतलब इनका जो रिलायबिलिटी होता है ना बहुत तगड़ा होता है बाकी बाइक्स के कंपेयर में, ठीक है। और इसमें है आपको मिलता है 155 cc का इंजन मिल जाता है विद क्विक शिफ्टर। मतलब इस बाइक में ना आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्विक शिफ्टर का इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी का ये देख सकते हो थोड़ा इंडिकेटर वगैरह, तो बाइक थोड़ी सी डैमेज हुई है, अभी एक्सीडेंट हुआ है भाई का हाल ही में, तो बाइक थोड़ा क्लेम में जाने वाली है अभी। तो गाइस, आप ये देख सकते हो सस्पेंशन, ये आपके USD Fork आते हैं। पहले जो यामाहा की R15 V3 आती थी उसमें आते थे आपके नॉर्मल सस्पेंशन टेलीस्कोपिक, बट यहाँ पे यामाहा ने इसको अपग्रेड करके टेलीस्कोपिक को हटा के USD Fork दे दिए। एंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो भाई फ्रंट में आपका लगा हुआ है इसमें वाइजर लगा हुआ है, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो DRL इसकी सामने आपको मिल जाएगी यहाँ पे ब्लू कलर की, मतलब ब्लू तो नहीं आती, वाइट आती है, एंड ये ब्लू कलर की फिल्म चढ़ी है इसमें, ये लाइट्स है इसकी। एंड ये है आपका प्रोजेक्टर, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ना, रात में बिल्कुल एकदम क्लियर विजिबल होता है। एंड लुक आप सामने से देख सकते हो, बाकी का गाड़ी स्टार्ट करने में ही इसका फ्रंट लाइट जलेगा, तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हो
गाइस, इसका ये फ्रंट लाइट है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका लाइट का, आप देख सकते हो। सो गाइस, इस बाइक में जो आपको पीछे का टायर मिल जाता है वो MRF का मिल जाता है, 140/70 का टायर, एंड फ्रंट में मिल जाता है आपको 100/80 का MRF का टायर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। पीछे मिल जाता है आपको मोनोशॉकर, और इस बाइक के बारे में ज़्यादा आपको ओनर बताएंगे, तो अभी ओनर को बुलाते हैं तो वो आपको इस बाइक के बारे में पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। सो गाइस, आज हमारे साथ में कैलाश भाई, और कैसे हो कैलाश भाई? बस बढ़िया, आप बताओ? बढ़िया भाई। तो कैलाश भाई की बाइक है यामाहा की R15M, तो आज कैलाश भाई बताएंगे इस बाइक के बारे में। यार कैलाश भाई बताओ यार, फिर यामाहा लेने का क्या रीज़न था आपका? बेसिकली पहला रीज़न तो लुक्स, माइलेज, और एक तो नया मीटर मिलता है TFT का जो काफ़ी अच्छा भी था, फीचर अच्छे मिलते हैं, लिक्विड कूल इंजन है, 155cc का इंजन मिल जाता है हमें। बेस्ट बात ये भी एक क्विक शिफ्टर मिलता है हमें, क्विक शिफ्टर मिल जाता है। तो R15 V4 में तो नहीं मिलता ना क्विक शिफ्टर? नहीं, उसमें हमें ब्लू कलर में मिलता है बस। अच्छा, और किसी में? कैलाश भाई इसके मीटर के फीचर बता दो यार आप। ये देख सकते हैं आप, TFT मीटर मिल जाता है हमें, ठीक है। यहाँ पर हमें इंजन साइन मिल जाता है। अच्छा, इंजन का साइन? हाँ, ABS लाइट, और एक यहीं पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बाय चांस अगर आप हम पैडॉक स्टैंड पे लगाते हो तब शो होता है, वरना नहीं। अच्छा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ दिखता है जब ऑन रहता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर क्विक शिफ्टर का, ठीक है। बाकी अगर आपको और सेटिंग देखनी हो तो यहाँ पर सेटिंग को होल्ड प्रेस करें और छोड़ दीजिए तो ये हमारी पूरी सेटिंग खुल जाएगी। अच्छा। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में हमारी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, रात में कितनी चाहिए, दिन में कितनी चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे हमें दिन में चाहिए हमें कम। अच्छा, इसकी ब्राइटनेस से एडजस्ट हो जाती है अपने हिसाब से कर सकते हैं डिस्प्ले की। बिल्कुल। पर डिस्प्ले कलर भी कर सकते हैं आप सेट, आपको पूरा ब्लैक चाहिए या फिर ऑटो पे रखना है। अच्छा अच्छा, वो भी दिखा देते हैं। जैसे मैंने ब्लैक कर दिया ऑल टाइम, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा रेसिंग टाइप का लग रहा था ना। अगर आप ऑटो पे करें तो रात को अपना ऑटोमेटिक ऑन होगा ये। अच्छा, रात को ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा कैलाश भाई, और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसमें? मतलब कोई ट्रैक का कोई मोड वगैरह मिलता है इसमें? बिल्कुल, ट्रैक का भी मोड मिल जाता है हमें इस टाइप का। अच्छा, ये ट्रैक मोड है। बिल्कुल, बेसिकली आप अपना लैप टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। उसके भी जो हमारा ये पास लाइट है इसको एक बार प्रेस करना है, प्रेस कर लो तो ये टाइमिंग ऑन हो जाती है। अच्छा, इसकी टाइमिंग ऑन हो जाती है। बिल्कुल। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब ऑफ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक तो हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। अच्छा। जो कि इन्हीं का प्ले स्टोर पे ऐप आता है, वाई कनेक्ट करके ऑन करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको पूरी डिटेल शो होगी, गाड़ी कितनी किलोमीटर चल रखी है। अच्छा। कब सर्विस आनी है या फिर आपने लास्ट टाइम कहाँ पर गाड़ी पार्क कर रखी है, तो इसमें हमें पूरी डिटेल मिल जाती है, गाड़ी कौन सी है, कब इंजन ऑयल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कितने किलोमीटर चल रखी है। यहाँ पर हमें माइलेज का भी शो होता है, एवरेज कितना दे रही है, माइलेज कितना दे रही है और कितना फ्यूल लिया है इसने। अच्छा, इससे ये सब आपको फोन पे दिखा देता है इसका? बिल्कुल। तो ये तो काफी अच्छा फीचर है। और हमें इसमें लोकेशन का भी दिखता है, हमारी गाड़ी आखिरी में पार्क कहाँ पर है। तो ये ऑनलाइन ही होता है सारा? हाँ, ऑनलाइन होता है। इसमें कोई अंदर सिस्टम दिया हुआ है यामा वालों ने? बिल्कुल। अच्छा, तो वो मतलब चलता रहता है, चालू रहता है वो? जैसे आपने एक बार कनेक्ट कर दी, जैसे आप चल रहे हो, जहाँ आपने गाड़ी ऑफ कर दिया पूरा ऐप, तो आपके इसमें रिकॉर्ड भी होगा आपने कितनी गाड़ी चला रखी है, क्या आपकी हाई स्पीड रही है, एवरेज स्पीड क्या रही है, पूरा टोटल शो होता है इसमें। सर्विस वगैरह को आपको जैसे करवानी होती तो इसके हिसाब से करवा लेते हो आप? हाँ, बाकी वहाँ से भी कॉल आ जाता है, वैसे टाइम टू टाइम करवा देता हूँ मैं। टाइम टू टाइम आप सर्विस करवा लेते हो? बिल्कुल। सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रहती, 1500 के अंदर अंदर हो जाती है। 1500 के अंदर ही हो जाती है? बिल्कुल। अभी मेरी थर्ड सर्विस हो चुकी है, वो भी 1500 के अंदर भी है। अच्छा, वो भी 1500 के अंदर। तो फर्स्ट सर्विस यामाहा ने फ्री दी थी क्या? नहीं, फ्री कुछ नहीं रहती, बस लेबर चार्ज फ्री रहता है। अच्छा, लेबर चार्ज वगैरह। तो अच्छा, और इसमें और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं कैलाश भाई? इसमें एक तो हमें प्रोजेक्टर मिल जाता है इसका, जो काफी पावरफुल रहता है। तो आपने नाइट में चला रखी इस बाइक को? मेरा रोज नाइट माना जाना रहता है। अच्छा, रोज का आपका रहता है इसमें, नाइट का नहीं? अच्छा, तो आपको मतलब सही लगा, कोई ऐसा नहीं विजिबिलिटी कम वगैरह? मेरे हेलमेट का भी वाइजर पूरा क्रोम हो रखा है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। सस्पेंशन को लेके कोई इशू? सस्पेंशन थोड़े हार्ड रहते हैं इसके काफी बार। फ्रंट के? हाँ। अच्छा, और पीछे का? पीछे तो मोनोशॉक मिल जाता है इसमें? हाँ, है ना, पीछे कोई दिक्कत नहीं रहती। पीछे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हार्ड है। अच्छा अच्छा, अभी तक आपने इसको कितने किलोमीटर चला दिया है? अभी तक हमारी लगभग 10.5 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें 7 दिखा रहे क्योंकि मीटर चेंज हुआ था मेरा कंपनी में। अच्छा। थोड़ा
फॉल्ट आ रहा था। अच्छा फॉल्ट आ रहा था मीटर को लेकर के, कंपनी में आ रहा था वो। तो अभी जो आप इसमें दिखा रहे हैं गाइस, वो दिखा रहे हैं आपका 7000 किलोमीटर भाई ने चलाई है, लेकिन भाई ने चलाई है 10,500 किलोमीटर, है ना। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है 10,500 किलोमीटर में। तो इंजन को लेकर कोई इश्यू इसमें अभी तक आया आपको भी? इंजन को लेकर तो कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी आपको ट्रैफिक में जो नए बंदे हैं उनको हाथ वगैरह दर्द, कंधे दर्द कर सकते हैं। सीट कंफर्टेबल है इसकी? सीट वैसे कंफर्टेबल नहीं कह सकते। अच्छा राइडर तो थोड़ा बहुत झेल सकता है, बस जो पिलियन रहता है वो बिल्कुल नहीं, पिलियन के लिए नहीं, मतलब काफी ज्यादा पीछे रह जाता है ना ज्यादा। और इस बाइक में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है इसके एग्जॉस्ट। तो एकरा पूवी का आपने फुल सिस्टम डलवाया इसमें ना? बिल्कुल। अच्छा तो कितने का एग्जॉस्ट पड़ेगा आपको ये? ये लगभग 5000 के आसपास पड़ा फुल सिस्टम। 5000 का विद बैंड पाइप? विद बैंड पाइप। अच्छा तो इसमें ये पूरा एसएम सिस्टम है ना यहाँ से? पूरा बिल्कुल पूरा सिस्टम चेंज है। अच्छा सही है। तो एकरा पूवी का एग्जॉस्ट है गाइस 5000 तक का इसका प्राइस पड़ चुका है और फुल सिस्टम है। बाकी का इसमें वो टेम्परेचर के लिए भी कुछ मिलता है ना यहाँ पे लगाने का? हाँ इसमें OBD2 सेंसर मिलता है, जो कि दो सेंसर रहते हैं, अगर ये आप ना लगाओ तो दिक्कत दे सकता है। अच्छा यहाँ सेंसर लगना बहुत जरूरी है? ये पूरा कैलकुलेट करता है आपको क्या बोलते गाड़ी में कोई दिक्कत आ तो नहीं रही बैंड पाइप के थ्रू वगैरह कुछ भी। अच्छा तो गाइस इसमें जो ये सेंसर मिलता है ना यहाँ पे सेंसर, तो ये OBD सेंसर भैया बता रहे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इसमें से मतलब पूरा बताता है गाड़ी के बारे में ना, है ना, कि कोई प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। तो कैलाश भाई एग्जॉस्ट लगा लिया है, पुलिस का कुछ सीन हुआ अभी तक का? खैर पुलिस का सीन तो एक बार हुआ था। एक बार हुआ था? चलान? चलान के एग्जॉस्ट ही सीज हो गया। एग्जॉस्ट ही सीज हो गया? तो दूसरा लगाया था आपने? दूसरा लगाया। तो एक एग्जॉस्ट आपने गवा दिया? एग्जॉस्ट मेरा लगभग 5000 के आसपास था, सिर्फ एग्जॉस्ट। अच्छा 5000 का एग्जॉस्ट, तो काफी कॉस्टली एग्जॉस्ट था। बिल्कुल गाइस जैसा आपने देखा इसके बारे में, तो आप एग्जॉस्ट साउंड सुना दो एक बार। ताकि आपको ठीक से क्लियर है, लाउड बहुत ज़्यादा लाउड है ना, तो ऐसे सिटी में तो खैर ले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। बाकी का साउंड काफ़ी ज़्यादा बेसी है भाई, R15 का यही रहता है ना इंजन, बहुत बेसी बहुत रहता है, बेसी बहुत है, क्योंकि अगर आप इसको अगर ऐसे ही सिस्टम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट RC में डाल देते हैं, KTM में डाल देते हैं, बजाज की कोई सी भी बाइक में डाल देते तो बजाज का ओनर खड़ा बोलेगा यार बजाज के अगर उस पर डाल देते तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है, फटती भी, लेकिन इसमें बेसी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये कोई भी एग्जॉस्ट लगाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं फटती इसमें, है ना, इसमें इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है इस बाइक का। और ब्रेक्स की बात कर लेते हैं यार कैलाश भाई, ब्रेक कैसी इसकी, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी? डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग है, डुअल चैनल ABS इसमें, है ना। तो ऐसा ब्रेक पैड चेंज वगैरह करवाने पड़े आपको? हाँ मैंने फ्रंट के करवाए थे, क्योंकि अच्छा ज़्यादा ब्रेकिंग वगैरह रहती है मेरी। अच्छा अच्छा तो लगभग 400 के आसपास लगे चेंज हुए। अच्छा 400 रुपये। और पार्ट्स को लेकर के कोई इशू? पार्ट्स काफ़ी हद तक महंगे हैं इसके। अच्छा जैसे अगर आप सबसे नीचे वाला जहाँ पर यामा लिखा हुआ है, हाँ सिर्फ वही 2000 का है। अच्छा ये सिर्फ एक पैनल 2000 का है? सिर्फ पैनल नहीं, सिर्फ इतना हिस्सा, इतना हिस्सा 2000 का। हाँ फिर ऊपर का अलग 2000 का है। अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, देखो आप पार्ट्स को लेकर के थोड़ा है। और ऐसा कि मतलब क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसी इसकी, वाइब्रेशन वगैरह कुछ? वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, इंजन हीटिंग भी नहीं, हीट वगैरह भी नहीं, इंजन हीटिंग वाइब्रेशन थोड़ी बहुत रहती है जो इग्नोर करा जा सकता है। अच्छा हीटिंग बिल्कुल नहीं, हीटिंग है ही नहीं इसमें? नहीं। एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी नहीं? नहीं। तो यार एक चीज और बता देते हैं, एग्जॉस्ट लगाने के बाद और एग्जॉस्ट से पहले का माइलेज क्या था इसमें? एग्जॉस्ट लगाने से पहले मेरा 60-55 ऐसी रहा है। अच्छा एग्जॉस्ट लगाने नहीं लगाया था जब? हाँ 60 का माइलेज दे रही थी। अब अच्छा। जब से एग्जॉस्ट लगाया है तब से रोज आना जाना 110 भागती है, तो 54 के आसपास आता है। अच्छा 54 का माइलेज मिल रहा है अभी, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है गाड़ी अभी भी। और इंजन तो भाई यामा का है तो ड्यूरेबल रहेगा ही, है ना, ड्यूरेबल इंजन तो है इसमें। भाई इसका टॉप स्पीड कितनी ले गए आप? टॉप स्पीड मैं 130 ले गया हूँ। अच्छा 130 लेके गए,
ठीक है, वो कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी और लोग तो 155 बोलते हैं, 155 भागती है। इसका प्राइस क्या पड़ गया आपको? ऑन रोड मुझे 240,000 की पड़ी। अच्छा, और एक्स शोरूम हमारी लगभग 2 लाख के आसपास है। अच्छा, 2 लाख के आसपास इसका एक्स शोरूम था ना? बिल्कुल। बाकी का फ्यूचर में कोई मॉडिफिकेशन करवाओगे इसमें, क्या सोचा है इसके बारे में? अभी पार्ट्स और ऑर्डर है, एग्जॉस्ट वगैरह, मिरर्स, आर1 वाले मिरर। हाँ। अच्छा, तो ये सारे मॉडिफिकेशन अभी होंगे तो कमिंग सून है भाई, तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कर देना भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। सो गाइस, होप करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कैलाश भाई का इंस्टाग्राम का आईडी है सामने आ रहा होगा, उसको फॉलो कर देना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है रील पे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। होप करते हैं आपको ये लाउडेस्ट R15M पसंद आई होगी, और जिस भी भाई के पास R15M तो भाई लाइक कर देना एक बार इस वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा कैलाश भाई, एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे कि यामाहा के अलावा भी जैसे RC 200 है और RS 200 है और भी बाइक्स आती है, तो आपने यामाहा क्यों ली? बेसिकली यामाहा पे स्विच करने का ये रीज़न था कि RS 200 में वही पुराना लुक मिल रहा था। भाई अरे बोलने दे रहा भाई। और RC 200 का तो बस नाम ही वही है, छपरी सर्च मार को तो वही बाइक आएगी, छपरी बाइक। बिल्कुल, तो टैग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात तो है भाई, ये तो भाई ने बता दिया। आप देखो, आप लोग को यामाहा तो बस गली में भी ले जाओगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। तुम कुछ कर रही हो।